हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपनी घर की रसोई में। आज हम बनाएंगे हरे मटर की क्रिस्पी कचौड़ी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे हम सॉस या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। चलिए बनाते हैं। बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी हरा मटर, एक कटोरी मैदा और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, दो मिर्च। मैंने यहाँ दो मिर्च लिया है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक बर्तन में हमने मैदा लिया है, उसमें डाला है थोड़ा नमक और दो टेबलस्पून घी मोयन के लिए। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम इसे गर्म पानी के साथ हम इसे आटे को सान लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, आटा बहुत कड़ा नहीं सानना है, वरना हमारी कचौरियाँ नहीं फूलेंगी। इसे अच्छे से सान के ये देखिए हमारा तैयार हो गया है आटा। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। चलिए फिलिंग बनाते हैं। फिलिंग के लिए एक मिक्सी के जार में मटर रखेंगे और इसे हम पीस लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, एक साथ नहीं पीसिएगा, रुक रुक के चलाइएगा। अभी इसे हमें और थोड़ा पीसना है। ये देखिए बहुत अच्छे से पीस गया है। अब एक बर्तन में हम घी गर्म करेंगे, इसमें डालेंगे हरी मिर्च और मिर्च होने के बाद हम इसमें डालेंगे पीसा हुआ हरा मटर और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम होगा, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे क्योंकि ये जलने का डर रहता है। और इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा ताकि हमारे मटर जले ना। थोड़ा भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक। नमक डाल के हम इसे अच्छे से भूनेंगे। अभी देखिए बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, भून गया है। इसे हमें ड्राई होने तक भूनना है। अब इसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर एक चम्मच और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम कटी हुई हरी धनिया डालेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए भून चुका है, बिल्कुल ड्राई। हमारा आटा रेडी हो गया है। अब इसे हम इसमें फिलिंग करेंगे। आटे की हम छोटी छोटी लोइयां लेंगे, इसे हम थोड़ा सा बेल के बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा अच्छे से फीलिंग कर पाए। ये देखिए हो गया है, फैला ले। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा जो भुना हुआ मटर है उसे हम अंदर फील करेंगे और अच्छे से रैप करते जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये फटना नहीं चाहिए वरना इसे, और बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा वरना घी में तलते समय ये फट के मटर सारी बाहर आ जाएंगी। ये देखिए रेडी हो गया हमारा कचौरी। इसी तरीके से हम सभी कचौरियों को मेल लेंगे। अब एक बर्तन में हमने घी गरम किया हुआ है और इसे हम अब फ्राई करेंगे। घी फ्लेम हमारा मीडियम होगा, इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए हमारी कचौरियाँ कितनी अच्छे से फूल गई हैं। इसे हम रुक रुक के पलटते भी रहेंगे। जब हल्का पिंक हो जाए तो इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए रेडी हो चुका है, इसे हम निकालते हैं और सर्व करते हैं। यदि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।